प्लास्टिक जो पर्यावरण के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, जिसकी रोकथाम के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार ने अब कई तरीके अपनाए हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए। जिसका अब नाम सुनने से ही लगता है ये तो पूरे देश और पर्यावरण के लिए बड़ी समस्या है, लेकिन पूरे देश की तरह पूरे छत्तीसगढ़ में भी प्लास्टिक की समस्या बनी हुई है। छत्तीसगढ़ जैसे हरे भरे प्रदेश में आज प्लास्टिक के चलते प्रदूषण बढ़ रहा है। विशेष तौर से गौवंश के लिए एक बड़ा खतरा पॉलिथीन बन चुका है। ऐसे में छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने तय किया है कि आने वाले कुछ सालों में प्रदेश को पूरी तरह प्लास्टिक मुक्त बना दिया जाएगा और वह हर संभव कोशिश की जाएगी कि प्लास्टिक का इस्तेमाल खत्म कर दिया जाए। सीएम भूपेश बघेल की सरकार ने प्रदेश के सभी शहरों को पूरी तरह प्लास्टिक मुक्त कराने के लिए एक अभियान छेड़ दिया है। गौरक्षक संस्था के अनुसार छत्तीसगढ़ में हर साल 40,000 गायों की मौत प्लास्टिक खाने से होती है। रायपुर, बिलासपुर दुर्ग, भिलाई, रायगढ़ समेत बड़े शहरों में हर महीने लगभग 8,000 गौवंश की मौत प्लास्टिक खाने से होती है। हाल ही के दिनों में प्लास्टिक खाने से गौवंश की मौत में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। अखिल भारतीय विश्व गौरक्षक संस्था द्वारा 25 से 30 गौवंश का अंतिम संस्कार हर दिन किया जाता है। प्लास्टिक से मुक्ति के लिए प्रदेश में जगह जगह जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। नगरीय प्रशासन विभाग की तरफ से भी सख्ती बरती जा रही है। अधिकारी कर्मचारी दुकानों और ग्राहकों के बीच पहुँच रहे हैं। नतीजा ये है कि अब लोग प्लास्टिक की जगह कागज और कपड़े से बने थैले का इस्तेमाल कर रहे हैं। कि लोगों में बचा हुआ खाना प्लास्टिक में डाल के फेंकने की आदत होती है, ये इसके कारण गोवंश को सबसे ज़्यादा नुकसान है। तो जब डोर टू डोर कलेक्ट होगा सम वेस्ट प्रोडक्ट, तो जो हमारे कंपनी द्वारा किया जा रहा है, रामकी कंपनी द्वारा यहाँ, तो ऐसी स्थिति पे ये वाली चीज़ें धीरे धीरे कम हो रही है। और लोगों को भी हम प्रोत्साहित करना चाहेंगे इस बारे में कि वो खाने को प्लास्टिक में डाल के ना फेंके, अगर किसी जानवर को खिलाना भी चाहते हैं तो वो खुले मतलब ओपन उसको दें, ताकि प्लास्टिक के साथ जानवर उसको ना खाए। पॉलीथीन पर एक बड़ी जागरूकता अभियान हम लोगों ने शुरू किया है, स्कूल में, कॉलेजों में और जितने बाज़ार हैं, हाट बाज़ार हैं, उसमें स्व सहायता समूह की महिलाओं को झोला विक्रय केंद्र हमने खोल कर दिया है। वहाँ वो बैठकर झोला बेचेंगे और उससे आमदनी से उनका परिवार चलेगा। लेकिन आपके माध्यम से हम लोगों से ज़रूर आग्रह करेंगे कि बाज़ारों में सब्जी लेकर अगर जाते हैं तो वो जूट का थैला और कपड़े का थैला लेकर जाएं, ताकि पॉलीथीन का कम से कम वो उपयोग हो। तो इस दिशा में हम जागरूकता अभियान चला करके इस काम को। प्लास्टिक से मुक्ति के इस अभियान में सरकार ने स्व सहायता समूहों को जोड़ने का काम भी शुरू कर दिया है। समूहों को कपड़े थैले बनाने का, कागज का थैला बनाने का काम दिया जा रहा है। वहीं विभिन्न प्रमुख स्थानों, चौक चौराहों, बाजारों को पूरी तरह नो प्लास्टिक जोन भी घोषित किया जा रहा है। प्लास्टिक से मुक्ति से इस अभियान को समाज के सभी वर्गों को जोड़ने की कोशिश भी की जा रही है। सड़क किनारे कचरे के ढेर में प्लास्टिक को रोका जा सके, इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है। और तो और, गौरक्षा समिति भी इस मुहिम में सरकार का पूरा साथ दे रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने जो ये जो निर्णय किया, बड़ा अच्छा निर्णय है, उसको हम पूरे गौ सेवक स्वागत करते हैं। पर ये कि जब धरातल में इसका इम्प्लीमेंट कितना होता है, उस पर देखने में आएगा। अगर सरकार ने ठोस निर्णय लिया है तो बिल्कुल हर व्यक्ति को स्वागत करना चाहिए। जितने भी तरह के प्लास्टिक, इसमें चाहे वो ग्लास हो, सामान्य प्लास्टिक हो, या कपड़े में यूज़ करने वाला प्लास्टिक, जो पैकिंग में जो प्लास्टिक आ रहा है, जो पाइप्स आ रहे हैं, गिलासें आ रही है, सारी प्रतिबंध कर देती है। उनके जो सिस्टम बन रहा है उसमें अगर आता है तो स्वागत की बात है, बिल्कुल दिल खोल के हम स्वागत करते हैं। तमाम हालात के बीच छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार की ओर से प्रचार प्रसार के तमाम माध्यमों के जरिए विभिन्न संस्थाओं को जोड़कर मुहिम छेड़ी गई है। इस मुहिम में स्कूल, कॉलेज, व्यापारी संगठन, सामाजिक संस्थान, स्वयंसेवी संगठन और मीडिया शामिल है। प्रदेश सरकार छत्तीसगढ़ को पूरी तरह प्लास्टिक मुक्त राज्य बनाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। इन तमाम कोशिशों के बाद अब ये उम्मीद है कि जल्द ही छत्तीसगढ़ को पॉलिथीन मुक्त बना दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।